आज हम बनाएंगे चुकौनी जो आलू के बनते हैं। तो मैंने चार पांच आलू बॉईल किया हुआ है, देखिए इस तरह। तो उसके लिए मैंने एक प्याज काटा है बारीक, और उसके लिए दही चाहिए हमें, और हरी मिर्च चॉप किया हुआ है दो तीन, और नमक थोड़ा सा, हम रेड चिल्ली पाउडर डालेंगे उसमें, और हल्दी और लेमन जूस डालेंगे थोड़ा सा, और एक सूखा हुआ चिल्ली, और थोड़ा मैंने जीरा लिया है, और थोड़ा मेथी, और थोड़ा सा मैंने लिया है थोड़ा मस्टर्ड सीड, जो सरसों भी बोलते हैं उसको, और धनिया। अभी हम इसको सबको मिक्स कर लेंगे। मैं इस तरह काटती हूँ छोटे छोटे पीसों में। इसमें मैं डाल रही हूँ सॉल्ट, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, और जो मैंने काटा था चिल्ली ये डालते हैं इसमें, और डालेंगे हरा धनिया, और डालेंगे ये जो ऑनियन जो काटा था हमने, और थोड़ा सा डालेंगे लेमन जूस, और इसमें डालेंगे दही। दही इसमें थोड़ा ज़्यादा डालना होता है। अभी हम सब इसको मिक्स कर लेते हैं। ये खाने में बहुत टेस्टी होता है, ये बच्चों को भी बहुत पसंद है। ये खट्टा खट्टा जो दही डाला है मैंने, लेमन जूस डाला है, ये बहुत टेस्टी होता है खाने में। बस अभी मैं इसका तुड़का बनाती हूँ। इसके लिए मैंने एक फ्राई पैन लिया हुआ है, उसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, बस गरम, थोड़ा सा ऑयल गरम होने देते हैं हम, और जो चिल्ली है जो सूखी चिल्ली वो डाल देंगे, थोड़ा और गरम हो जाएगा। तो फिर देखिए हमारा ऑयल गरम हो चुका है। अभी जो सारे ये मिश्रण है मैं इसमें डाल देती हूँ। इसको थोड़ा सा काला होने तक इसको फ्राई करेंगे, मेथी वगैरह को जो डालती हूँ मैं, जो रेड चिल्ली पाउडर था और हल्दी पाउडर, बस अभी मैं इसको जो आलू के ऊपर डाल दूँगी तो मेरे पास थोड़ा सा बचा हुआ दही था, उसमें मैंने थोड़ा पानी डाला है, ये भी इसी में डाल देते हैं। हम इसको मिक्स कर लेंगे। देखिए मैंने सारा मिक्स किया है, जो हमारा चुकौनी है ये रेडी हो चुका है। कितना टेस्टी होता है खाने में, आप चाहे रोटी के साथ खाइए, चाहे आप ऐसे खा लीजिए, बच्चों को भी ये बहुत ही पसंद है, ये खाने में बहुत टेस्टी होता है। आप ज़रूर ये बनाएं, और मेरा रेसिपी आपको कैसा लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।